साथियों, आज का दिन मौजूदा भारत के सियासत पे एक बदनुमा दाग भारतीय जनता पार्टी वालों ने लगाया है। भारत की सबसे बड़ी सेकुलर लीडर ममता बनर्जी हिंदुस्तान के आइन के तहत बनारस में इलेक्शन का प्रचार करने गई थी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के कॉरपोरेशन चुनाव में हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी वालों को धूल चाटना पड़ा है, ममता बनर्जी से वो लोग इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि उन्होंने चाहा था, भारतीय जनता पार्टी वालों ने चाहा था कि ममता बनर्जी बनारस की धरती पे अपनी बात को नहीं रखें, अपनी बात को नहीं बताएं। इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं वो लोग। और ये ममता बनर्जी पे हमला नहीं, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पे हमला है। लिहाजा पश्चिम बंगाल क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग जो सेकुलर हैं वो इस चीज़ की निंदा करते हैं और हर कदम पे, हर मुहाज पे ममता बनर्जी के साथ हैं, ऐसे सेकुलर लीडरों के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को एक मोदी का दुकान बना के रखा है, गल्ले और अनाज का दुकान बना के रखा है। और आप देख रहे हैं कि उनके नेता इलेक्शन में कैसे उठक बैठक कर रहे हैं। कोई गलती की माफ़ी मांग रहा है, कोई कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। लिहाजा आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की धरती में ममता बनर्जी की मौजूदगी से इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि उन्होंने जमहूरियत का खून करते हुए ममता बनर्जी पर हमला किया है। लेकिन ये ममता बनर्जी के तबीयत में शामिल है कि उनको आप जितना भी दबाइएगा वो उभर कर पीड़ित जनता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्टूडेंट हो, या जो कोई भी आम आदमी हो, हर ख़ास आम के साथ, हर तबके के लोगों के साथ ममता बनर्जी रही हैं। लिहाजा हमारी आपसे अपील है कि आप पुरमन ढंग से, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने एहतजाज करने का ऐलान किया है, कल सुबह आप लोग सब कोई अपनी अपनी जगहों पे, जहाँ से आप, हमारा जो सेंट्रल ऑफिस जहाँ से जो ऐलान किया है वहाँ से जो जुलूस निकलेगा आप लोग उसमें शामिल रहिए और ममता बनर्जी की लंबी और सेहतमंद हयात के लिए दुआ कीजिए, ताकि ममता बनर्जी की मौजूदगी से जो जलजला आया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस वाले कांप उठे हैं कि ममता बनर्जी एक दिन आखिरी मोहर लगाएंगी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में, आखिरी कील ठोकेंगी और फिरका परस्तों का जो खात्मा होगा हिंदुस्तान में ममता बनर्जी के लीडरशिप के, ममता बनर्जी के अगुवाई में होगा। पार्टी के डायरेक्शन पे मरकजी हौड़ा, सेंट्रल हौड़ा के तरफ से एक जुलूस सुबह 9:30 बजे ट्राम डिपो से लेकर हौड़ा मैदान तक एक जुलूस हमारे ज़िला के हरदिल अजीज लीडर और पश्चिम बंगाल के जिम्मेदार मंत्री अरूप राय और दूसरे लीडरों के लीडरशिप में यह जुलूस रवाना होगा। लिहाजा तमाम तर साथियों से हमारी अपील है कि आप लोग सुबह 9 बजे शिवपुर ट्राम डिपो में हाजिर होकर ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करें, तृणमूल कांग्रेस को कामयाब बनाएं, तृणमूल कांग्रेस के हर तहरीक को कामयाब बनाएं।